सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइज, आइस स्क्रीम चैप्टर 8 की रिलीज डेट तो आपको पता चल ही गई होगी, 15 दिसंबर। यानी अब बहुत ही कम टाइम रह गया है आइस स्क्रीम चैप्टर 8 को आने में, एंड हमें सिर्फ 15 दिसंबर तक का टाइम है। जितनी भी हम थ्योरी बनाना चाहते हैं इस गेम से रिलेटेड वो हम बना सकते हैं। तो चलो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ और लेटेस्ट न्यूज़ पे। तो अभी टीम कैप्टेरियंस ने आइस स्क्रीम 8 का एक और नया स्नीक पिक शेयर किया है, और प्ले स्टोर पर भी आप जाके देख सकते हो ये पिक्चर ऐड हो गई है, जिसमें हमें कुछ एक मशीन देखने को मिल रही है। बेसिकली ये वही मशीन है जो कि ट्रेलर में हमें देखने को मिली थी। जी हाँ, ट्रेलर में जब माइक एक मैप दिखाता है ना, तो उसमें वो 3 जनरेटर्स की बात करता है। तो उन्हीं जनरेटर्स में से एक जनरेटर जोसेफ सोलोमन के घर में होने वाला है, ठीक है। बाकी के 2 जनरेटर मेन फैक्ट्री के अंदर होने वाले हैं, या फिर फैक्ट्री के बैकयार्ड में भी हो सकते हैं। सो मेन जो हमारा काम होगा इस गेम में, वो इन 3 जनरेटर्स को बंद करना होगा या ख़राब करना होगा, ऐसा हो सकता है। एंड जोसेफ सोलोमन के घर के अंदर जो जनरेटर है, मे बी वो घर के अंदर इसलिए है क्योंकि शायद हम जनरेटर देखने के बहाने जोसेफ के घर के अंदर जाएं, लेकिन हमें रॉड से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा राज पता चल जाए, जोसेफ से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा राज पता चल जाए, इसलिए शायद हमारा ये जो 3rd जनरेटर है ये जोसेफ सोलोमन के घर के अंदर है। एंड यहाँ पर ना आप लोगों ने एक चीज़ भी नोटिस करी होगी, ट्रेलर में जब सारे डोर्स लॉक होते हैं तो उन्हीं के साथ यहाँ पर जो वैन है उसका भी डोर लॉक हो जाता है। तो शायद हमको वैन का डोर ओपन करने के लिए भी कोई की ढूंढनी पड़ेगी, इसी के साथ मेन डोर के लिए एक अलग की ढूंढनी पड़ेगी। तो भाई बहुत कुछ करना पड़ेगा इस गेम में, यानी आइस स्क्रीम चैप्टर 8 में हमको। तो लेट्स सी हमको क्या क्या देखने को मिलता है। एंड मुझे लगता है कि 15 तारीख से पहले अभी कुछ और स्नीक पिक भी हमें देखने को मिलेंगे इस गेम के, जिसमें हमको और आइडिया हो जाएगा कि गेम में क्या क्या होने वाला है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।